इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज और INN7 में आप सभी का खैर मकदम है। कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। कुछ लोग डिस्चार्ज के बढ़ते आंकड़ों को राहत इत्मीनान के पस मंजर में देख रहे हैं, पर सच्चाई यह है कि मरीजों के आंकड़ों का इस तरह बढ़ना यकीनन परेशानी का सबब ही कह सकते हैं। हर एक आध दिन छोड़कर 100 मरीजों का इजाफा दिखाई दे रहा। आज मंगल फिर एक बार, आज तकरीबन 600 के करीब पॉजिटिव मरीज पाए जाने से सेहत महकमा सख्ते में आ चुके हैं। वैसे भी मौतों का आंकड़ा हर रोज बढ़ता जा रहा है। पॉजिटिव मरीजों की भी तादाद बेतहाशा बढ़ रही है। मरीजों को सही इलाज ना मिलने की खबरें बरामद हो रही है। अस्पतालों में आज भी दाखिला नहीं मिल रहा, यहाँ तक के एम्बुलेंस जल्द हासिल नहीं हो रही, का ऑक्सीजन नहीं, वेंटिलेटर नहीं। हर रोज कुछ ना कुछ ऐसी खबर हासिल हो रही है जिससे सेहत महकमा पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। आज तकरीबन 10 लोगों की मौत होने की खबर हासिल हुई है। इंतजामिया के आंकड़े और हकीकत में भी तफावत दिखाई दे रही है। आज तकरीबन 450 के करीब डिस्चार्ज हुए हैं। कुछ हद तक इत्मीनान की खबर ही समझी जा सकती है तो मौतों का आंकड़ा भी खौफजदा कर रहा है। लिहाजा मौत के डर से मौत के आगोश में जाने वाले मरीज भी देखे जा रहे हैं। आवाम की जानिब से अक्सर शिकायत है कि मरीजों की सही देखभाल नहीं हो रही है। निजी अस्पताल अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे। कोरोना टेस्ट के बाद ही इलाज की जिद प्राइवेट अस्पतालों में की जा रही है, जिससे कल शाहपुर में 2 मरीजों की मौत वाकई हुई। शहर में भी दादना फरियाद वाली तस्वीर साफ नजर आ रही है। हुकूमत की जानिब से सख्त हिदायत तो दी जा रही है, पर निजी अस्पतालों को कुछ फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा। लिहाजा पॉजिटिव आने से डरने की जरूरत नहीं, ऐसा भी ऐलान किया जा रहा है। मरीज मौतें जिस रफ्तार से बढ़ रही है, कवानीन भी तब्दील होते जा रहे हैं। मरीज के लिए जहाँ गाँव को ही सील डाउन किया जाता था, पर अब हर जगह पर मरीजों के पाए जाने से सेहत महकमा भी हैरान है। अब तो घरों में ही इलाज किया जा रहा है। पॉजिटिव मरीज का 2 बार स्वैब टेस्टिंग किया जाता था, पर अब पॉजिटिव होने के बाद 10 दिन में सीधा डिस्चार्ज किया जा रहा है और होम क्वारंटाइन की हिदायत दी जा रही है। अब यह फैसला किस हद तक सही है, इसका इल्म सेहत महकमा को ही हो सकता है। कुछ लोगों ने इसे सही ठहराया है तो कुछ लोगों ने इसकी मुखालफत भी की है। तकरीबन महकमा कोरोना की जद में पहुंच चुके हैं। पुलिस अफसर के साथ 8 पुलिस वालों का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया, तो बेलगाम म्युनिसिपैलिटी के मुलाजमीन भी कोरोना मुतासिर पाए जाने की इत्तला हासिल हुई। एक मुकादम की भी मौत कोरोना से होने की खबर है। अब तो शमशान में लाशों को जलाने के लिए जगह मयसर नहीं हो रही, लिहाजा जहां भी जगह हासिल होती है मयतों को जलाया जा रहा है। उमूमन कुदरती मौत होने वालों को जलाया जाता है, जिसकी राख अस्थि घर वाले ले जाते हैं, पर कोरोना वालों की राख कोई नहीं ले जा रहा, तो इसे हटाने का भी जिम्मा म्युनिसिपैलिटी आमिले को ही अंजाम देना पड़ रहा है। बेलगाम शहर में मुख्तलिफ जगहों पर शमशान है, पर बढ़ती मौतों की वजह से जिधर शमशानात भी नाकाफी होते जा रहे हैं। पहले सुबह से 1:30 बजे तक कोरोना मरीजों की चिता जलाई जाती थी, पर अब मौतों में होता इजाफा देखकर 3 बजे तक चिता जलाने का काम जारी है। कारपोरेशन मुलाजमीन पर अब चिता यानी कोविड से मरने वालों की चिता जलाई जा रही है। जिस तेजी से हर रोज मामले बढ़ रहे हैं, अलग जगह का मुतालबा कारपोरेशन मुलाजमीन ने हुकूमत से किया है। क्या वाकई इंसानियत मरती जा रही है? क्या इंसान में एहसास कम होता जा रहा है? यह सवाल इसलिए भी पूछना जरूरी है क्योंकि नेहरू नगर रक्षित होटल के सामने पूरे दिन से एक शख्स बीमार सड़क पर पड़ा हुआ था, जिसे लोगों ने उठाकर सड़क किनारे बिठाए। शख्स का नाम राजू नाइक कहा बताया जा रहा है, पर तकरीबन 15 घंटे से बीमार हालत में पड़ा हुआ है और एम्बुलेंस लेने के लिए भी तैयार नहीं है। क्या कोरोना ने इंसानियत मोहब्बत सभी खत्म कर दिया? एहतियाती तदाबीर अपनी जगह पर कुछ अखलाकी जिम्मेदारी हम सबकी है या नहीं? पिछले 15 घंटों से एक शख्स बीमार सड़क के किनारे जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है। किसी भी अस्पताल से कोई एम्बुलेंस आने के लिए तैयार नहीं, कोई भी इसे पकड़ने के लिए तैयार नहीं, इसे क्या कहा जाए? क्या वाकई कोरोना का डर या इंसान का जमीर ही मर चुका है? कहते हैं इंसान के अंदर का एहसास जब मर जाता है तो समझ लो कि माशरा भी मरने की कगार पर है। मंगुत्ती शिवाजी पुतले का मामला अब महाराष्ट्र कर्नाटक के इख्तलाफात में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। वैसे बेलगाम सरहद मामला काफी पुराना है, पर मंगुत्ती शिवाजी पुतले के मामले से पुराने जख्म खुरदने का काम कुछ तंजीमों की जानिब से अंजाम दिया जा रहा है। कुछ कन्नड़ तंजीमों ने
मराठी तंजीमों पर एतराज जताया और खासकर शिवसेना के मदाखलत पर सख्त एतराज जताते हुए दाखिले पर पाबंदी की धमकी दी है, कन्नड़ तंजीमों से दी गई है और कन्नड़ तंजीमों की जानिब से मराठी तंजीमों को गांव में न आने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी ओर एमएलए सतीश जारकीहोली ने महाराष्ट्र को इस मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं ऐसा मशवरा भी दिया। इन्होंने यह भी कहा कि बेरगाम मनगुत्ती गांव का अंदरूनी मामला है और इसमें महाराष्ट्र को दखल देने की कतई जरूरत नहीं। वादा रहे महाराष्ट्र से मनगुत्ती चलो तहरीक छेड़ी जा रही है कर्नाटक पुलिस की जानिब से। सोशल मीडिया पर तशद्दुद आमोज मजमून को छाया करने के जुर्म में मिरज के दिनेश कदम पर मुकदमा दर्ज किया गया। हासिल इत्तला के मुताबिक शिवाजी पुतले को हटाना शिवाजी की तौहीन है, लिहाजा इससे कोई भी मराठी फर्द बर्दाश्त नहीं करेगा। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर तशद्दुद फैलाने की कोशिश दिनेश कदम की जानिब से की गई है, इसके लिए इस पर मुकदमा दर्ज किया गया, ऐसा पुलिस अफसर लक्ष्मण निम्बर्गी ने सहाफियों को दी है। मराठियों ने पुलिस के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि मराठी नौजवानों को निशाना बनाने का इल्जाम लगाया पर पुलिस ने इस बात का इनकार किया। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ा ने उस पार कर दिया, दो गज सही ये मेरी मिल्कियत तो है, ऐ मौत तूने मुझे जमींदार कर दिया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आलमी शोहरत हफ्ता जनाब राहत इंदौरी साहब का इंतकाल हुआ, आज वो दुनिया से चले गए। दुनिया के इस महान शहर के साथ कुछ लम्हे बिताने का मौका भी हमें मयसर हुआ था। इत्तेहाद न्यूज की तरक्की के लिए इन्होंने दुआएं भी दी थी। आज डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का इंदौर के अस्पताल में दिल के दौरे से इंतकाल हुआ। दोपहर में इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी और पॉजिटिव होने की तरह जनाब राहत इंदौरी साहब ने खुद ही ट्विटर के जरिए दी थी। और जब अस्पताल में दाखिल हो रहे थे तब उन्होंने घर वालों से कहा था कि फोन न करना और इसी के साथ आखिरी सफर पर निकल पड़े। इनकी उम्र 70 साल की थी। इस महान शायर को इत्तेहाद न्यूज खराज तहसीन पेश करता है और दुआ करता है कि अल्लाह इनकी मगफिरत फरमाए। इत्तेहाद न्यूज देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।